देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक धमाका 11 लोगों की जान चली जाती है, 184 लोग घायल हैं, 40 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आखिरकार मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? कहां थे प्रदेश के मुख्यमंत्री और क्या कर रही थी प्रदेश की सरकार? ये सवाल लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है और ये सवाल अब पूछते हुए नजर आ रहे हैं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। दरअसल आपको बता दें कि कल देखने के लिए मिलता है कि मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक धमाका होता है। ये धमाका होता है फैक्ट्री में जहां पर बारूद रखा होता है, पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है। जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि इस फैक्ट्री का लाइसेंस ही नहीं था। ऐसे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बच पाएगा? यहां पर जिस तरीके से पल्ला झाड़ती हुई प्रदेश की सरकार नजर आ रही है वो तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि पटना घूमने का समय मोहन सिंह यादव के पास है, यहां पर प्रचार प्रसार करने का समय मोहन सिंह यादव के पास है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेदारी आखिरकार वो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? यहां पर मेरे साथ अमन जी है। अमन जी, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लगातार सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हुए मोहन सरकार नजर आ रही है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही, आखिरकार जिम्मेदार कौन है? देखिए, बिल्कुल, मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने तब से उनके कई फैसले ऐसे हैं जिसके ऊपर सवाल उठे हैं। आपने देखा, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जिस तरह से कहा कि भाई जो रेड़ी पटरी पे काम करते हैं, मीट और इस तरह के जो कामों को अंजाम देते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनको बंद कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरह से ये फैक्ट्री है, पटाखा बनाती है और ये लाइसेंस भी इनके पास नहीं, तो ऐसे चीज़ों पर उनकी निगाह क्यों नहीं जाती? आखिर आप देखिए, 11 से 12 लोग की जिस तरह मौत हुई है, अपने आप में बहुत दर्दनाक मौत है, और 2-2 लाख रुपए मुआवजे की बात तो हुई है, लेकिन क्या उससे उनके परिवार को संतुष्टि मिलेगी जिन परिवारों ने अपने जो कह सकते हैं सदस्यों को खो दिया है? तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी जो निलंबित चीज़ें हैं वो अपने आप में जो है इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में जो मुआवजे की रकम है क्या वो काफ़ी है? क्योंकि आज़ाद ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि 2 लाख रुपये काफ़ी नहीं है, कम से कम 25 लाख रुपये उन परिवारों को मुआवजे के बतौर दीजिए ताकि उनके कुछ राहत मिल सके। तो ऐसे में सिर्फ मुआवजे की बात अगर की जाए तो क्या ये देखकर हम ये बताना चाहते हैं कि चलिए जो हुआ सो भूल जाइए, तो एक बार फिर हम जो है चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए नजर आएंगे? तो ऐसे में मोहन यादव के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि तुरंत हाई लेवल की मीटिंग तो बुलाते हैं, लेकिन क्या जिस तरह से ये अवैध जो काम हो रहा है उसके ऊपर क्या कोई एक्शन उनका हो पाएगा? क्योंकि ये जो फैक्ट्री है कल तो लगी नहीं होगी, एक अरसे से लगी होगी, शिवराज सिंह चौहान भी उस समय मुख्यमंत्री होंगे और अब मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर इनकी निगाहें कैसे इसके ऊपर नहीं पड़ती हैं? शासन की आपको नहीं लगता है कि जान गंवाने वालों के परिवारों को यहां पर मुआवजा देने की बजाय मोहन सरकार को या प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के तौर पर मोहन यादव को बड़ा फैसला लेना चाहिए था कि आखिरकार इस तरह की लापरवाही किसकी वजह से हुई? और सबसे बड़ी बात, ये इकलौती फैक्ट्री नहीं है, जो अंदरूनी सूचना आ रही है सामने, उसमें कहा जा रहा है कि ऐसी कई और फैक्ट्रियां हैं, तो आखिरकार क्या इंतजार किया जा रहा है कि और इस तरीके की घटनाएं हो और तब कोई बड़ा एक्शन लिया जाए? देखिए, जाहिर सी बात है, अवैध फैक्ट्री जितनी भी है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि असफलता है कानून और शासन की, कि इस तरह की चीजों के ऊपर वो अंकुश नहीं लगा पाते। जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तब अपनी संवेदना प्रकट करके 2-3 लाख रुपए की मुआवजे की बात करके अपने जो है पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब मोहन यादव जो कहते हैं कि भाई हम राम राज की स्थापना करने वाले, हम तमाम चीजें करने वाले, लेकिन उस राज्य में कम से कम लोगों की हिफाजत कैसे हो, इसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि लगातार जो अवैध फैक्ट्रियां और खासकर पटाखे वाली फैक्ट्रियां, क्योंकि यहाँ पर जरा सी भी गलती होती है, चूक होती है, तो पूरी तरह धमाका हो जाता है। और आपने देखा कि 60-70 लोग घायल भी हैं इसमें, 11 से 12 लोगों की जान जा चुकी है। तो ऐसे में इन हादसों का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि सरकार ने तो हाई लेवल मीटिंग बना दी, जो पता नहीं कब अपनी रिपोर्ट देगी, उसके ऊपर क्या कुछ होगा, 4 दिन के बाद मीडिया भी इस बात को भूल जाएगी। हालांकि मीडिया तो अभी भूली नजर आती है, अगर किसी और राज्य की बात होती जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो शायद इस बात को लेकर अभी भी डिबेट चल रहे होते। लेकिन जिस तरह से जिम्मेदारियां जिन लोगों की बनती हैं उनको अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह निभाने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोग जो लगातार सुबह निकलते हैं अपने परिवारों की रोजी रोटी के लिए, शाम को सकुशल अपने घर वापस आ सके। वाकई में देखिए, सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार किसकी लापरवाही या किसकी गलती की वजह से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये सवाल लगातार उनके परिवार पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार मामले को क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है, क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के तौर पर डॉक्टर मोहन सिंह यादव कोई बड़ा कदम उठाते हुए
कोई नजर नहीं आ रहे हैं। क्या इंतजार किया जा रहा है कि और इस तरह के कई घटनाएं हों और उसके बाद यहां पर कोई हाई लेवल मीटिंग करके कोई अहम फैसला लिया जाए? बार बार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या जवाब यहां पर देती हुई मोदी सरकार नजर आएगी, ये देखना अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। विस्फोट हुआ जब आप क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, पट्टी पट्टी कर रहे थे। अच्छा, तो पहले विस्फोट के बाद आपको लगा कि दूसरे में लगे? पहले में नहीं लगा, दूसरे में लगा। दूसरा बोलते हैं तो आका था, पहले छोटा सा हुआ तो हमें लगा कुछ चीज फूटी तो हम एकदम से भागे, हमको भगाए सबको, हमने भागो भागो। आप फैक्ट्री के बाहर वाली बस्ती में थे कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे? फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहे थे। कितने लोग थे? करीबन हमारे हॉल में थे, एक हॉल बना हुआ था उसमें करीबन 150-200 आदमी थे। वो दूसरे हाल में एक ही हाल था कि दो थे? एक हाल नहीं, बहुत सारे हाल है। जैसे वो कितने लोग काम कर रहे थे? बहुत सारे लोग काम करते हैं, अनगिनत लोग काम करते हैं और बच्चे भी थे उनके साथ। देखो 12 मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में, जो भी घायल है और करीब करीब सभी होश में, 2 का ऑपरेशन चल रहा है। 9 लोगों से मैं मिल के आया हूँ और जिस प्रकार की जानकारी हम सबको है, लगभग 11 लोग दिवंगत हुए हैं और इस संबंध में अभी भी जहां घटना घटी वहां रेस्क्यू चल ही रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घटना के बारे में जैसे सबको जानकारी है। मैंने अभी 5 बजे पूरे प्रदेश के सभी जिलों की भी वीसी ली है और इस प्रकार की जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फायर फैक्ट्री हो या जिस प्रकार से जहाँ ऐसी संभावना रहती उन सब पे कल तक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ, एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊंगा। क्या सर टोटल कल लापरवाही आ रही है? अभी 11 है, टोटल 11 है। मैंने जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद बताएंगे सर। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहे। जैसा कि हमको सबको जानकारी आई है, हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को हमने तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएँ मिले, बर्न यूनिट चालू हो गया, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरभाग यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई, जैसे मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया, 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जाँच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना का हम घटना के बाद इस पर जो जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हैं।